नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों यहाँ आया है तो उनके लिए ये एग्ज़ाम फॉर्म कब से भराए जाएंगे और उनकी जो परीक्षाएं होंगी कब तक होंगी और पूरक परीक्षाएं कितने विषयों में ली जाएंगी, तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ये समझ में नहीं आता है कि हम अगर दो विषय में फेल हुए हैं तो कितने हमको कितने फॉर्म हमारा भराया जाएगा या नहीं भराया जाएगा। अगर हम दो विषय में फेल हैं तो क्या हमारा फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा, तो इस संबंध में हम आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हैं 2024 की हायर सेकेंडरी व हाई स्कूल सर्टिफिकेट पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 1 मई 2024 से हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व एवं हाई स्कूल परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक एक दिन पूर्व भरे जा सकेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं 1 मई से आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या रहेगा। इस वर्ष क्या रहा था, बेस्ट ऑफ 5 योजना के अंतर्गत परीक्षा परिणाम को घोषित किया गया था। बेस्ट ऑफ 5 पद्धति के तहत छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है, ठीक है, और उसका परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ऐसी स्थिति में यदि छात्र अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है। देखिए, अगर किसी के एक विषय में यानी कि जो बेस्ट ऑफ 5 के अंतर्गत एक विषय में कम नंबर आए हैं या फिर अनुत्तीर्ण हुआ है तो क्या उसको पेपर दे सकता है। ऐसे छात्र दिनांक 1 मई 2024 से 20 मई 2024 तक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भर सकेंगे। तो देख सकते हैं आपकी 1 तारीख से शुरू हो जाएंगे और 20 मई आपकी लास्ट रहेगी। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं इसके लिए। अब देखिए, पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन भरने हेतु निम्न प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो आपका ऑनलाइन देखिए निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल चार्ज 25 रुपये रहेगा, इसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिएगा इसके बाद देखिएगा, अगर हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल एक विषय तथा हाई स्कूल परीक्षा में दो विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक परीक्षा पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। तो यहाँ पर देखिए, हाई स्कूल के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा और हाई सेकेंडरी के लिए एक सब्जेक्ट रहेगा और हाई स्कूल के लिए दो सब्जेक्ट रहेंगे। ठीक है, हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा यहाँ पर देखिए सोमवार 8 जून 2024 को ली जाएगी और हाई स्कूल की यहाँ पर 10 जून 2024 से 20 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से 11 बजे के मध्य निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर संपन्न की जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको जानकारी बता दी है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका क्या रहेगा, प्रति विषय का परीक्षा शुल्क देखिएगा यहाँ पर आपका 500 रुपये रहेगा और जो ऑनलाइन क्वेश्चन संचालक उसे आपको उक्त परीक्षा के 25 रुपये देने होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसके बाद आप लोगों के जो भी डाउट हो, अगर कोई भी अगर समस्या रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका आपका निराकरण करने की कोशिश अवश्य करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।